Yes, 15 is on employee benefits, but it is covered in CA final syllabus, not at inter level. One of the लेंथियस्ट एयर्स विच वी हैव, लेंथियस्ट बोल रहा हूँ, लगभग सबसे बड़ा एयर्स जहाँ तक मैं जानता हूँ एयर्स 15 है, बट अपने सिलेबस में नहीं है, वो फाइनल में है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स नाम है उसका एयर्स 15 का। एयर 16 ऑलरेडी ग्रुप वन में हो चुका है, बोरोइंग कॉस्ट। एयर्स 17 वी हैव, शुभम क्या बोल रहा, 9000 रुपये प्रॉफिट है, 13000 रुपये में 9000 प्रॉफिट, बाप रे। ₹13,000 में ₹12,000 प्रॉफिट है। मैं विनोद सर की बात नहीं कर रहा हूं, सुशील, सुशील राइट। हाँ, सेगमेंट रिपोर्टिंग एस 17 गाइस, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स याद है, कब सीखे थे, कितने साल हो गए, कितने 200 साल। ग्रुप वन में हम लोगों ने ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट सीखा, राइट। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में हमने एक चीज समझी थी, सीखी थी कि डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड्स वी शुड मेंटेन, उसके फायदे अपने, डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड्स मेंटेन होते भी है, डिपार्टमेंट वाइज अकाउंटिंग होता भी है। डिपार्टमेंट्स को ही बेटा यहां पे सेगमेंट्स का नाम दिया गया है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं वहां पे ना सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन भी देनी चाहिए, ऐसे रिक्वायरमेंट एयर 17 में दी हुई है। यू शुड गिव द डिटेल्स सेगमेंट वाइज, सिंपल वर्ड्स में रखता हूँ, डिपार्टमेंट वाइज। अब ये सेगमेंट का एग्जैक्ट डेफिनेशन हो रही है, जब अपन जाएंगे उस एयर्स में तब डिस्कस करेंगे। क्यों, तो दोज हु आर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं उनको ध्यान में आना चाहिए कि क्या क्या सेगमेंट्स है अपने कंपनी के, अपने बिजनेस के, और उसमें कौन से सेगमेंट में कितना प्रॉफिट है। तो ये समझ में आने के लिए सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करना पड़ेगा ना। तो सेगमेंटेशन कैसे होता है बिजनेसेस में, कौन से सेगमेंट का रिपोर्टिंग होता है, दो टाइप के सेगमेंट्स है, बिजनेस सेगमेंट एंड ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स। बिजनेस सेगमेंट्स मतलब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बेसिस पे किए गए, ज्योग्राफिकल मतलब एरिया के बेसिस पे किए गए। तो उनका क्या क्या रिपोर्टिंग होना चाहिए, दैट इज गिवन इन ईयर 17, वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस ईयर्स। देन वी हैव वन वेरी इंटरेस्टिंग ईयर्स एंड दैट इज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। इंडिया में आप सब लोग जानते हो कि फैमिली मैनेज बिजनेसेस ज्यादा है, फैमिली मैनेज बिजनेसेस। अब चलो अभी तो बहुत कॉर्पोरेट्स बन गए और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आ गए, बट अभी भी अपन देखेंगे कि रिलायंस बोलने के बाद में वैसे देखा जाए तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है एक्चुअली, जिसमें पब्लिक का पैसा लगा है, बट हम क्या जानते हैं रिलायंस बोल तो, अंबानी, जो तो मेजर स्टेक किसके पास है, अंबानी। क्यों किसी और का एग्जांपल ले, अज्यूम करो आई स्टार्टेड विद अ कंपनी भंडारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वैसे BIL भंडारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट राइट। अब यह भंडारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कंपनी तो बना दी, बट मैं तो गरीब आदमी है तो पब्लिक इशू करके आप सबसे, आप सबको शेयर होल्डर बना दिया मैंने, और आपसे फंडिंग लेके मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ कंपनी का, आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर भंडारी, राइट। अब मैं मेरे पापा के नाम से पेमेंट निकाल रहा, मैं मेरे वाइफ के नाम से पेमेंट निकाल रहा, मैं मेरे बच्चों के नाम से पेमेंट निकाला, मेरे जो भी रिलेटिव्स है उनके नाम से पेमेंट निकाल रहा हूँ, चलेगा आपको, मैंने ऐसे किया हुआ। लॉजिकल क्वेश्चन अपने आप को पूछो, आपका पैसा लगा हुआ है कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तुमने पैसा दिया है, और मैं मेरे रिलेटिव्स के थ्रू सारे फंड्स निकाल रहा हूं, चलेगा, विल दैट डू? ऑब्वियसली आंसर इज नो, ऑब्वियसली आंसर इज नो। क्यों, तो आप बोलोगे सर रिलेटिव को पेमेंट देने में तकलीफ नहीं है, अगर आपकी वाइफ सच्ची में अगर जेन्यूनली कंपनी के लिए काम कर रही है, और अगर जेन्यूनली काम कर रही है और उसको अगर उसके मेहनत का, उसके काम का कॉम्पेंसेशन आप दे रहे हो तो तकलीफ नहीं है, बट जबरदस्ती का अगर मैं पैसा बाहर निकाल रहा हूं तो चलेगा क्या? बट ये तुमको कैसे पता चलेगा कि मैं पेमेंट किसको दे रहा हूं किसको नहीं दे रहा हूं, डे टू डे इसमें तुम्हारा रोल है क्या?
मैं मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, तो डे टू डे तुम्हारा मेरे काम में इंटरफेरेंस है क्या? नहीं है, तो तुमको कैसे पता चलेगा? AS18 के थ्रू पता चलेगा। AS18 में ना रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स डिफाइन हुए हैं कि कौन रिलेटेड पार्टीज रहते हैं, वो डिफाइन हुआ है। और AS18 बोलता है कि रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप एंड उनके साथ के ट्रांजेक्शन दोनों भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिक्लेयर करो। इतना काय को बेटा, मैं पब्लिक लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, अपनी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक्सपर्ट, जिसमें मैं और विनोद दोनों ही पार्टनर है, दोनों ही शेयर होल्डर्स है इसमें, तो दो ही डायरेक्टर्स, दो ही शेयर होल्डर है। इवन हमको जो पेमेंट निकलता है ना कंपनी से, उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है एनुअल रिपोर्ट में हमको, एज अ डायरेक्टर सुशील भंडारी और विनोद रेड्डी ने कितना पैसा विड्रॉ किया, टुवर्ड्स टीचिंग कितना पैसा विड्रॉ किया, टुवर्ड्स प्रॉफिट हमने कितना विड्रॉ किया, टुवर्ड्स रेंट क्लासरूम के हमने कितना पैसा विड्रॉ किया, ये सारे डिटेल्स देने पड़ते हैं हमको, जबकि ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो पब्लिक लिमिटेड में तो सवाल ही नहीं आता, पब्लिक से पैसा लेके बैठे हो आप, तो आप तो पब्लिक को आंसरेबल हो ना, तो आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा बॉस ये रिलेटेड पार्टीज है और इनको ये ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में ये पेमेंट्स हुए हैं। तो ये रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और उनके साथ के ट्रांजेक्शन का डिस्क्लोजर्स कहाँ कवर्ड है? AS18 में कवर्ड है। मजा आता है ये सीखने में, रिलेशन समझने में बड़े मजे आते हैं, वैसे भी रिलेशनशिप में थोड़ा इंटरेस्ट रहता ही है। अरे इन जनरल बता रहा ना रे, आज तक है AS19 वी हैव लीजेस, लीजेस अकाउंटिंग फॉर लीजेस। लीजेस बोल तो बेसिकली रेंट एग्रीमेंट्स, लीज एग्रीमेंट्स, रेंट एग्रीमेंट्स। दो टाइप के लीजेस होते हैं, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, दो टाइप के लीजेस है। AS19 में उसको डिवाइड किया है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज। तो क्या रहता है ऑपरेटिंग लीज, क्या रहता है फाइनेंस लीज, क्या रहता है? दो पार्टीज रहते हैं लीज एग्रीमेंट में, एक होता है हम जिसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में, एंड दूसरा पार्टी होता है टेनेंट, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। और वही टेक्निकल टर्म्स जो यूज होते हैं वो है लेसॉर, लेसी। लेसॉर इज द ओनर, लेसी टेनेंट। तो लेसॉर लेसी दोनों के बुक्स में ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज का अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए, ये AS19 में दिया हुआ है। अपने को अगेन जो अपने डे टू डे बिजनेस में, डे टू डे अपने एक्टिविटीज में काम आने वाला एस है AS19। जैसे आप देखो जो बाहर गांव से आए हुए हैं, हॉस्टल में रह रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप फ्लैट लेके रेंट पे रह रहे हो तो वो रेंट एग्रीमेंट करते हैं ना आप, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, वो क्या रहता है? लीज एग्रीमेंट ही तो है। अभी मैंने ग्रुप वन के लास्ट डे पे प्रॉमिस किया था आपको कि ग्रुप टू में मैं आपको पिकनिक को ले जाऊंगा, एंड आई एम टेलिंग यू दैट आई एम अ जेंटलमैन, आई ऑलवेज कीप माई प्रोमिसेस, आई टेक यू फॉर द पिकनिक, डोंट वरी गाइज। यस, तो पिकनिक ले जाएंगे। अब पिकनिक ले जाएंगे तो गाड़ी हायर करेंगे ना, मेरे पास बस तो है नहीं, राइट ना, राइट, बस तो है नहीं मेरे पास, तो छोटी सी टू व्हीलर है सारी, राइट, हाँ ना, हाँ ना। अपन बस हायर करेंगे, अब बस हायर करेंगे तो वो भी तो एक लीज एग्रीमेंट ही है, बस रेंट पे ले रहे। अभी ये चलो मैंने तो प्रॉमिस किया पूरा भी करूंगा, आप एग्जाम दिए एंड आप में से कोई एक जन एडवांस अकाउंट में इंडिया टॉपर आया, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, राइट, एडवांस अकाउंट में। फिर आपने बोला कि चलो सुशील सर को एक पार्टी देते, फिर आप बोले कि सुशील सर को ही क्यों यार, अपने बैच को आखिरी बैच है एडवांस अकाउंट का, राइट, तो सबको पार्टी देते, और आपने ना सबके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। अब पार्टी तो पार्टी हॉल वगैरह रहेगा ना, राइट, 3 घंटे के लिए रेंट पे लेते ना, लेते ना, शादी में लेते, शादी तक मत जाओ, अपनी रिजल्ट की पार्टी करते हैं अभी, राइट, तो रेंट पे लेंगे ना, दैट इज ऑल्सो लीज एग्रीमेंट। वो भी क्या है? लीज एग्रीमेंट है। उसका अकाउंटिंग लेसॉर और लेसी दोनों के बुक्स में कैसे होना चाहिए ये हम इसमें सीखेंगे। ये तो चलो मैंने बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दिए, बट बेटा अगर बाई चांस थोड़ा बहुत मार्केट, मार्केट तो स्टॉक मार्केट नहीं, एक इन जनरल अगर मार्केट टर्म्स तुमको मालूम है तो पगड़ी देना बोलते, पगड़ी सुना है क्या? पगड़ी देना बोलते 99 ईयर्स का लीज रहता, 99 ईयर्स के लिए पगड़ी दी हुई है बोलते, 99 ईयर्स के लिए कोई जगह यूज करने के लिए दी हुई है, वो होता है फाइनेंस लीज। 99 ईयर्स के लीज पे दिया हुआ है, बहुत सारे मंदिरों को दी हुई जगह जो है वो 99 ईयर्स के लीज पे रहती है, बोलते वो मंदिर जो है वो जो ट्रस्ट रहता है मंदिर का उसकी जगह नहीं रहती, वो दैट प्लेस इज रेंटेड आउट फॉर 99 ईयर्स लॉन्ग टर्म के लिए, और बहुत नॉमिनल रेंट रहता है उसका, 1 रुपया पर ईयर वगैरह ऐसे, राइट।
तो वो होता है फाइनेंस लीज। तो फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज क्या रहते हैं, उनका अकाउंटिंग दोनों के उसमें कैसे होगा, ये दिया है एएस 19 में। फिर आता है बेटा एएस 20, वो एएस जो सर पढ़ाने वाले थे, विनोद सर पढ़ाने वाले थे फर्स्ट डे पे, और मैं जैसे बोला कि दिल पे पत्थर रख के मैं उसको बोला था ठीक है तू ये पढ़ा दे बोल के, मेरा फेवरेट है ये। गाइज हैव यू हर्ड ऑफ ईपीएस, सुना रहेगा कभी ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो तो तुमने सीखा ही नहीं, अभी सिखाने वाला हूं मैं इसमें एएस 20 में, पर सुना है क्या ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। गाइज दिस इज द एएस वेयर वी डू नॉट टॉक अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट, प्योरली प्योरली मैथमेटिकल एएस, पूरा पूरा मिक्सचर लगते बेटा 2.25 घंटे के, इतना बड़ा एएस है, इतना बड़ा एएस है राइट, और पूरा मैथमेटिकल है। दो टाइप के ईपीएस हम कैलकुलेट करते हैं, बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। एंड आज ही लिख लो चाहिए तो नोटबुक में, हर नहीं नहीं लिखना बोल तो दिमाग में रखो कि इन एवरी अटेम्प्ट देयर इज अ क्वेश्चन ऑन ईपीएस इन एग्जाम, हर एग्जाम में आता ही है राइट। मस्त एएस एकदम, एएस 21 वैसे ऑफिशियली सिलेबस में नहीं है, बट मैं सिखाने वाला हूं क्यों, तो अपने एक टॉपिक का पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आई विल टॉक अबाउट इट लिटिल लेटर, मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं लेकिन सीक्वेंस में, क्यों तो देते वक्त आईसीएआर ने वो एएस 21 सिलेबस में है बोल के दिया नहीं है, बट वो एनीवे है सिलेबस में, टॉपिक के थ्रू है। एस 22 टैक्सेस ऑन इनकम, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड, एटलीस्ट हर्ड, नॉट अंडरस्टूड बट हर्ड अबाउट डिफर्ड टैक्स, सुना है क्या एटलीस्ट डिफर्ड टैक्स, डिफर्ड टैक्स राइट। तो डिफर्ड टैक्स रहता क्या है, कभी इट इज डिफर्ड टैक्स एसेट तो कभी इट इज डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, तो ये क्या रहता है वो हम बात करेंगे एस 22 में। है तो छोटा ही एस, बट पहली बार सीखोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, जल्दी दिमाग में बैठता नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एनीवे वहां तक पहुंचते पहुंचते आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी, टैक्स की भी पढ़ाई आप अच्छे से कर लोगे तब तक राइट। तो जब अपन वहां पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अकाउंटिंग क्या है ना, अकाउंटिंग अपने हिसाब से होता है, अकाउंटिंग कभी भी टैक्सेशन के हिसाब से नहीं होता, बट टैक्स की लाइबिलिटी तो तुम इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं ना, तो योर टैक्सेबल प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट नीड नॉट ऑलवेज बी सेम, उसमें डिफरेंस आता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस में कि कुछ पोर्शन पे टैक्स कैलकुलेट करके अकाउंट फॉर करते हैं, सिर्फ अकाउंट फॉर करते हैं, पे नहीं करना पड़ता, वो अकाउंट फॉर करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिफर्ड टैक्स। तो डिफर्ड टैक्स क्या है ये हम एस 22 में सीखेंगे। देन वी हैव एस 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। एस 24 जरूरी है क्या, कोई कंपनी में हम कोई एक ही टाइप का बिजनेस करें, अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं ना, कोई एक यूनिट अगर हम बंद कर रहे हैं या सेल आउट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। वैसे कुछ लोग अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ITC को लेके एक न्यूज पिछले 2 साल से घूम रहा है, ITC कंपनी को, इंडियन टोबैको कंपनी जो है ना ITC राइट, स्प्लिट होने वाला है कंपनी का, और उनका ये टोबैको डिवीजन वो अलग कर रहे हैं एंड हॉस्पिटैलिटी जो है, मतलब ये होटल डिवीजन, ITC के होटल्स है वो डिवीजन वो अलग कर रहे हैं। तो समझो ऐसा कुछ डिसीजन ITC लेता है तो एक पर्टिकुलर यूनिट वो बाजू में निकाल रहे हैं ना,
बोल तो इन शॉर्ट इस कंपनी के लिए तो वो बंद ही हो रहा है ना, डिसकंटिन्यू हो रहा है ना, भले ही वही मैनेजमेंट कोई और कंपनी स्टार्ट करके उसमें वो कंटिन्यू करेंगे या किसी को भेज देंगे जो भी है, बट यहां से तो निकल रहा है ना बाजू में, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। सो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के कुछ डिस्क्लोजर्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देने पड़ते हैं, वो AS-24 में दिया हुआ है। सिंपल AS है, एकदम बेसिक AS है, एक घंटे का ही AS है एंड सिंपल सा है, सिंपल है, जो सिंपल है वो सिंपल है, जो डिफिकल्ट है वो डिफिकल्ट है, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन वी हैव गाइज AS-26। इंटेंजिबल एसेट्स, इनिशियली क्या हुआ ना, हम लोगों ने हमेशा हमेशा अपने टेंजिबल नेटवर्थ पे ही फोकस किया। टेंजिबल नेटवर्थ बोल तो टेंजिबल एसेट्स, अपने बिल्डिंग, कॉरपोरेट बिल्डिंग अच्छे से अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से अच्छा होना चाहिए, राइट, फर्नीचर अच्छे से अच्छा होना चाहिए। अब क्लासरूम की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि क्लासरूम एकदम अच्छे से अच्छा होना चाहिए। अब देखो जैसे ये फोर्थ फ्लोर के क्लासरूम के कुछ बेनिफिट्स है, यहाँ पे हाइट ज़्यादा मिली है, तो जितना ज़्यादा हाइट आता है क्लासरूम का ग्रेस अलग आता है, एक इकोसिस्टम जो बोलते हैं ना अपन, इसका साउंड सिस्टम हो रही है वो भी परफेक्टली काम करता है जितना हाइट ज़्यादा होता है। अब ये हाइट ज़्यादा है यहाँ पे, नीचे के क्लासरूम की हाइट्स कम है, तो ये परफेक्ट है, हम इस पर फोकस रखते हैं जब क्लासरूम बनाते हैं। तो बैठने के लिए भाई 8-8 घंटे बच्चे बैठेंगे, 10-10 घंटे बैठेंगे, तो ये स्पंज वाले बेंचेस बनाओ, कंफर्टेबल रहेंगे। सिस्टम अच्छे से अच्छा है, ये एकदम जो लेटेस्ट है, क्यों तो यूट्यूब पे भी जाना है, जूम के थ्रू भी जाना है, सब करना है, तो ये लेटेस्ट बैठाओ। तो ये सारी चीजें बेटा टेंजिबल नेटवर्थ की हो गई ना, ये टेंजिबल एसेट्स हो गए सारे ये, राइट, विच हैव फिजिकल सब्सटेंस। बट गाइज नाउ अडेज एवरीबडी हैज अंडरस्टूड एंड इवन यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट अलॉन्ग विथ टेंजिबल एसेट्स यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन इनटेंजिबल एसेट्स। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स अगर दे तो आज भी जब अपन रूरल पार्ट में जाते हैं इंडिया के, हाथ में पेप्सोडेंट होता है, क्लोजअप होता है, बट बोलते कोलगेट है, ये होता है अपने साथ। इतना काय को यार, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था नीचे से ऊपर आते वक्त कि क्लासरूम में बिस्लेरी रखा हुआ है ना, इज इट बिस्लेरी? बेसिकली बिस्लेरी या ये ऑक्सीकूल या ये कुछ है ही नहीं, दिस इज मिनरल वाटर भी नहीं, मिनरल वाटर सिर्फ बिस्लेरी है, ये सारे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर्स है। ये अपन मिनरल वाटर बोलते दिस इज रॉन्ग, मिनरल वाटर सिर्फ और सिर्फ बिस्लेरी है जिसमें मिनरल्स एडेड है, बाकी सारे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है। आप देख लो कोई भी लेके, सिर्फ बिस्लेरी में ही है एडेड मिनरल्स, राइट, तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन हम कभी नहीं बोलते पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, हम बोलते बिस्लेरी, राइट। जेरोक्स क्या सिखा रहे कल सर ने, मैं आया नहीं था, जेरोक्स करा के लाता हूँ। जेरोक्स बेटा कंपनी है फोटोकॉपी निकालने की मशीन की, बट हम फोटोकॉपी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, जेरोक्स, इजंट इट। जेम्स बॉन्ड मूवीज, जेम्स बॉन्ड की मूवीज मालूम है ना, हर 4-5 मूवीज के बाद में द एक्टर हु प्लेज द कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड चेंजेस, नया एक्टर आता है। बॉन्ड सीरीज तो बहुत पुरानी है ना रे, बट नया एक्टर भी आया तो भी बॉन्ड की मूवी पैक हाउस होती है, हाउसफुल होती है, राइट। केबीसी बोला कि आज पहला नाम सामने क्या आता है, अमिताभ बच्चन। अब मेरे को जेन्युइनली बताओ, इज अमिताभ बच्चन प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ दैट प्रोग्राम, इज ही पेइंग, वो कर रहे क्या कुछ, कोई कोई संबंध नहीं, वो सिर्फ होस्ट कर रहे, और सामने कौन दिखता, अमिताभ बच्चन, राइट। ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर एम्फसाइजिंग ऑन द ब्रांड वैल्यू विच इज इनटेंजिबल एसेट। पार्ले जी बिस्किट्स का एग्जाम्पल, लाइफ में कभी ना कभी तो पार्ले जी खाया आपने, और अगर पार्ले जी नहीं खाया तो बचपन नहीं जिया। पार्ले जी खाने का मजा ही अलग था ना रे, वो दूध में डुबो के खाते थे, अर गिर गया, हुआ कि नहीं है, फिर वो निकालने के लिए दूसरा डालते थे, दूसरा बिस्किट, राइट, वो भी गिरता था, फिर चम्मच से खाओ, हाँ तो राइट। सो पार्ले जी बिस्किट्स, अभी आप बोलोगे सर अचानक क्या हो गया आपको, पार्ले जी बिस्किट्स में आप कहाँ चले गए। पार्ले जी बिस्किट्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय पार्ले प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इट इज मार्केटेड बाय पार्ले, दोज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय समबडी एल्स। पतंजलि योगपीठ, पतंजलि साला इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई पतंजलि ही, हरिद्वार में कल ही, कल हरिद्वार में था मैं, यस्टरडे मॉर्निंग हरिद्वार में था मैं, बाबा जी बहुत डेंजर है, राइट, बाबा जी ने ऐसा पूरा हरिद्वार में भी छाए हुए ना बाबा जी,
राइट, पतंजलि. क्या लगता है तुमको पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स पतंजलि बना रहा है? मेजोरिटी प्रोडक्ट्स आर आउटसोर्स्ड, दोज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय समबडी एल्स, बट दोज आर मार्केटेड बाय पतंजलि विद द टैग ऑफ पतंजलि. पतंजलि का टैग है सिर्फ उसके ऊपर, राइट. ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर एम्फोसाइजिंग ऑन ब्रांड वैल्यू विच इज इनटेंजिबल. तो बेटा टेंजिबल एसेट्स के साथ साथ इनटेंजिबल एसेट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है. एंड हुआ क्या है, इनिशियल डेज में हमने कभी इनटेंजिबल एसेट्स पे फोकस किया ही नहीं. इनटेंजिबल एसेट्स के लिए अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी नहीं था, बट देन आईसीआई केम अप विद सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन द फॉर्म ऑफ AS 26 विद इफेक्ट फ्रॉम 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ. और फिर तब से इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंटिंग अलग से हो रहा है. तो 2003 के पहले इंटेंजिबल एसेट्स के लिए अलग स्टैंडर्ड नहीं था, दैट वाज कवर्ड अंडर AS 10 ओनली. जो ओरिजिनल था ना AS 10, पीपीई के पहले वाला, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स नाम था उसका, तो उसी में कवर्ड थे, लेकिन अब तो सेपरेट है.